अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो टाइटल देखकर पता लग गया होगा कि आज मैं बना रहा हूँ दो गिट की पतंग। तो कल है जी दो गिट की, और इसका जो है ना बनाने का तरीका बहुत दूसरी तरह है। इसमें कोई लेवी का यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, डिज़ाइन के अलावा। डिज़ाइन में बस लेवी लगाई है, बाकी इस पतंग पर लेवी बिल्कुल नहीं लगाई। डायरेक्ट टुकल बनाई है, सारी टेपों से चिपकाई है। तो सबसे पहले मैंने टुकल का डायरेक्ट फर्मा काट लिया फुल टू फुल, तो इसमें जोड़ भी कोई नहीं डला हुआ, फुल एक पेपर का फर्मा। भला खैर करे कैसा बने, अजीब ही लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने इसके पेठे वाले साइड को दोबारा फोल्ड करके पेठे वाला साइड मैंने इसकी फुल फिक्स करके बनाई है, ताकि पेठा तो उसका डिंगा सीधा ना हो, फुल टाइट हो। तो पेपर को फोल्ड करके मैंने दोबारा इसकी सही तरह कटिंग की दोनों साइड से, ताकि बराबर हो। तो कटिंग करने के बाद थोड़ा सा पीस रह गया था, वो भी मैंने दोबारा कट कर दी कैंची से। तो पतंग को खोल के चेक करते हैं, तो ये चेक करें पतंग तो सही फिट हो गए। तीले मैंने दो बनाए थे पतंग के साइज़ की, तो पहले तीलों को टेपों से चिपका लें, पहले नीचे वाले को चिपकाएं बराबर करके। तो मैंने सबसे पहले एक टेप दरमियान में लगाई है, और दूसरी टेप उसके साथ ही बिल्कुल लगा के दरमियान से इसको लगाया, चिपका दिया। और अब इसको थोड़ा कोनों में लगा दें, जिससे नीचे वाला हिस्सा शुरू होता है ना उसके बिल्कुल पास पास। तो ये मैंने लगा के फिर इसका सारा वाला नाप लिया, सारे वाला तीला नाप है वो फुल था, तो उधर उसको भी दोबारा रख के टेपे लगा दें टाइट करके। मैंने तीलों को रखा है दरमियान में, फुल आपने नाप रखना है, क्योंकि तीले का जो होता है पता लग जाता है कि कहाँ से बाहर है कहाँ से अंदर है। तो मैंने फुल फिक्स करके ऊपर टेपे फिर ठोक दिए। इसके टेपे लगाने के बाद पहले सर पे चारों तरफ मैंने इसके टेपे लगाई हैं। तो इसके बाद अब पेपर के करते हैं, तीलों को करते हैं आसपास से टेपे लगा लेते हैं। ये सच मैंने पीले टेपे लगा लिए हैं, फिर टेपे लगा के तीलों को आपस में रख चिपका दिया। तो अब पतंग इस तरह पता लगता है। फिर आप आती है दरमियान वाले तीले की बारी, क्योंकि दरमियान तीला ना हो तो सबसे पहले पतंग बनती नहीं। सबसे पहले दरमियान तीला बनाया है, फिर उसको कोने से टेपे लगाई हैं, और फिर सर से टेप लगा के तीले को अंदर करके टाइट कर दी। और अब बारी आती है पेपर की टेपों की, तो वो मैं पहले सारी तरफ भी लगा चुका हूँ टेपें। तो ये चेक करें सारी तरफ ऊपर टेपे लग गए, बारी है नीचे वाले तीले की। तो नीचे वाले तीले को दो काट लगा के टेपे मार दिए, नीचे वाले तीलों के टेपे मार के उसको भी सही तरह फिक्स करके मैंने पेपर की कटिंग की। डायरेक्ट टेपे ठोक दी मैं, कहा कौन अब 6 घंटे काटता रहे, उड़ना उड़ जाएगी ना उड़ी तो अला। तो टेपे ठोक दी मैंने दोनों तरफ, चेक करें पतंग तो वैसे बनी सही फिट है, प्यारी है। बाकी इसकी पुछल की बारी, तो मैंने छोटी सी पुछल बनाई है, वो मैंने लगा दी इसको छोटी सी बिल्कुल। तो अब डिज़ाइन भर गया, जिसमें मेरे पास नीले कलर का पत्ता कटा हुआ था, तो वो मैंने चेक किया तो बहुत बड़ा था। दोबारा कटिंग करके इसकी तो लेवी लगा के मैंने उसको चिपका दिया है, नीचे इसका नुक्का भी लगा दी छोटा। और फिर मैंने सोचा कि आसपास नुक्के लगाऊँ, मगर वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने इसको सर पर छोटे नुक्के लगा के पतंग को किया टाइट मुकम्मल। सर भी इसका देखिए कितना फिट बना है, सर भी टेपे लगा दिए हैं, वो नीचे दो नुक्के लगा दिए छोटे। गाइस अभी छत पे आ गया हूँ, पतंग मैंने बना ली थी, ये पतंग पड़ी हुई है, डबल डोर बनाएंगे इंशाल्लाह। आज दूसरी तरीके से बनाइए, भला करे उड़ जाए, पहले कभी भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह जाने सही भी बनाएंगे कोई नहीं। हवा का थोड़ा बहुत रोला है, बाकी गुड्डे शुड्डे तो ओढ़े हैं। एक किधर गया बाबा, ये पटियाला है, ये है हवा, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है डर के हवा ना ख़त्म हो जाए। बाकी रोज़ा शोज़ा सही जा रहा है, तो उसको उड़ाते हैं फिर चेक करवाते हैं पूर्ती भी आई नहीं। गाइस कोशिश कर रहा हूँ उड़ाने की, थोड़ी बहुत हवा चाह रही है, जोर से डीन निकली तो उसका भी सर जो है ना ये इसको भी ऐसे अंदर करके ये टाइट करने के, इसका साथ ढीला हो गया बहुत, और नीचे से भी मेरे ख्याल से ये ये मसला है, ये फट गया इधर से पेपर, ये चेक करेंगे। टेप लगाते हैं फिर इसको दोबारा उड़ाते हैं, ये चेक करें गाइस। तो कल उड़ी है इधर से, मोमटी से उड़ाई है मैंने, उड़ाई है ये इस लड़के ने नहीं उड़ाई, झूठ बोल रहा है। बाकी तो कल चेक करें, हाँ एक तो जरा इसका जूम का मसला हो जाता है ये। ओए 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 ऐसी पतंगे भी सही बनती है, भी इस गुड्डे के साथ पेचा मारते हैं, दो गुड्डे वो हैं, बाकी स्पार्टर को देखें। अभी डील दे रहे हैं आस्ता आस्ता, ओए 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 गाइस तो कल चेक करें फिर। अब इस पेचे की वीडियो चेक करवाते हैं आपको, ओपन मम्मी भी आ रही है। ओ ओ अरे इमिग्रेशन
ओ गाइस मारी तो कल गई। ओहो ओ ये पता नहीं कौन सा गुड्डा था, ये पटियाला था, पटियाले ने काटी है, पता नहीं किसने काटी है, डोर नहीं पता। ये पटियाला छेक मार गया है, डोर समझ नहीं लगी, बाकी तो कल सही थी। वो पता नहीं किधर गिरी है भाई, तोड़ आ रहा है। रुक तेरे को बता देती वो बच्चों ने काटा सामने जो चढ़े हैं छोटे छोटे, ये चुने चुने पता ही नहीं हमें लगा ये गुड्डा उड़ा रहे, समझ नहीं लगी, ऊपर पहचान करा दिए था हमने, पर तो कल सही फिट थी। फ्लाइट फ्लाइट चेक कर ली, बाकी तो गुड्डे चेक करे आज नहीं, एक ही बनाई थी। माशाल्लाह नूर ही नूर चेहरे पे। अलियान ने आज अपना जैसा दो तावा गुड्डा बनाया। आज हमारा मेकर थोड़ा बीमार था इसलिए ऐसा गुड्डा बना, नाराज नहीं होना आप लोगों ने, एंजॉय करे। ओहो प्यारा, ये हमारे जुनेद भाई। जुनेद भाई कैसा गुड्डा, जैसे लग रहा है ना बीमारों वाला गुड्डा उड़ाया भाई, वो सामने तो नहीं है जी, मौसम भी बड़ा फिट है अभी इनके साथ, इंशाल्लाह पेज करते हैं। मैंने तो पढ़ लिया। चलो जी भाई ये पेज अभी स्टार्ट होने वाला, बस ओ पकड़ लिए किसी ने, छूट गया छूट गया छूट गया, पकड़ लिए किसी ने, ओ यार व्हाट द हेल यार, इनको बोल नहीं ये चले जाए। गुड्डा फंस गया अपना, ये देखे जी हमारा बेचारा बीमारों वाला गुड्डा भी शहीद हो गया बेचारे यार, कसम है। चलो कोई नहीं, अभी इसको हम दोबारा से टेपे शेपे लगा के चालू करते हैं। आ जा नुकसान हो गया, बीमार को दवाइयाँ लगाते हुए एक दफा फिर, वो देखो जी हमारा लंगूर दरख्त पे लटका हुआ, बस पेज स्टार्ट होने लगा जी। जान दे जान दे, किधर है वो, ये आओ सही है वजन सही है रहा, चेक करो जी हमारे जुनेद भाई। जुनेद भाई रोजा रखा है, किधर रखा आपने, फ्रिज में, गलत जगह रखा है, मम्मा से कहना था अपने पेट पे रखते हैं आपका भी। ओ सही है सही है, सही रोजा जा रहा है आपको तो। भाई दोबारा ना गिरा देना मेहरबानी है आपकी, और आपसे वो कल जो आपने व्लॉग में बदतमीजी की है ना उसका भी बदला लेना, वो मुझे अभी व्लॉग बनाते बनाते याद आ गया, सब्र करो। उठा दो भाई, हम पे मीम्स बना रहे हो आप, सब्र करे आपकी मीमे हम निकालते हैं।
खेच के लिया टूट गया भाई का। हाँ हाँ जी रख चल वो आ रहा भाई टाइम कम है और पेचा फास्ट है जल्दी जल्दी करो तो पीछे भी जा साथ और पीछे भी जा साथ खेंच किधर ही ले आना चल उठाता लिया आईपो किधर गए चुप गए हो इधर आओ ना वीडियो में वो देखो इसकी काट दिए फिर भी ये बेचारा चलो खैर है यार कोई नहीं वो जा रहा है जी पकड़ा गया चलो अलियान भाई एक और उसके साथ मस्ती करते हुए बेचारे का ये इसके साथ बहुत आ गया है देखो जी अब इसकी वापस लैंडिंग का टाइम आ गया बेचारी का अलियान भी कैसी फीलिंग्स आपकी दिल गार्डन गार्डन ये गुड्डा तार लिया तार लो